हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूपीडीयू के। और उम्मीद करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। आज जो है बहुत बड़ा अपडेट आया है मेरे पास एक्चुअली, ठीक है। और मैंने सोचा हेल्थ केयर वीज़ा के रिगार्डिंग मैं सोचा आप लोगों को बताऊं, ठीक है। और क्या अपडेट है वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, ठीक है। और सोच समझ के ही फैसला लेना भाई हेल्थ केयर वीज़ा पे आने का, क्योंकि लोग बोल रहे हैं बंद हो रहा है। बंद नहीं हो रहा है, कुछ भी ऐसा नहीं है। लेकिन ये जो अपडेट है इसको जानना आपको बहुत ज़रूरी है। वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, और वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जो मैं चैनल पे फर्स्ट टाइम आया उनको बता दूं, मेरा नाम विवेक मसीह है, मैं यूपी इंडिया से बिलोंग करता हूं, अब इस टाइम यूके में हूं। तो चलिए टॉपिक पर आते हैं। जो अपडेट आया है, अपडेट है वो एक्चुअली ये है कि यूके होम ऑफिस जो है यहाँ पर, वो भाई साहब अब लोगों को जो हेल्थ केयर वीज़ा पे आए हैं उनको मेल भेज रही है, ठीक है। उनको मेल भेजा जा रहा है कि आप जो है 2 हफ्तों का टाइम मिल रहा है उनको, किसी को 2 हफ्ते का, किसी को 3 हफ्ते का, कि आप इसके अंदर अपना न्यू स्पॉन्सर देखो, नहीं तो आप जो है वापस जाओ अपनी होम कंट्री, ठीक है। लोग आपको, मैं नाम नहीं लूँगा, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, नाम नहीं लूँगा मैं किसी का भी, लेकिन आप कमेंट में देखोगे ना मेरे में, तो आप देखोगे कि लोग इतना परेशान हैं। लोग आ गए हैं 2-2, 3-3 महीने से काम नहीं मिल रहा है उन लोगों को, सिर्फ 20 घंटे कहीं और करके। 20 घंटे से कुछ भी नहीं होता भाई, कोई खर्चा नहीं चलने वाला। और 25 लाख रुपए देकर आओगे तो क्या, कहाँ से पूरे करोगे उसको 20 घंटे पूरे जॉब करके, ठीक है। खाली बैठे हुए हैं, जो एम्प्लॉयर है वो रिप्लाई नहीं कर रहा है, बोलता है आज बुलाएंगे कल बुलाएंगे। यही बहुत सारे लोगों के मैसेज आए हैं, कमेंट आए हैं। तो आप लोग जो हेल्थ केयर वीज़ा पे आ जाते हो ना, या आने का सोच रहे होते हो, पहले पूछ तो लो कि भाई हेल्थ केयर वीज़ा जो है वो एक्चुअली है क्या, मीन्स डोमिसलरी केयर में है, डोर टू डोर वाला है, या फिर प्रॉपर केयर होम में है। क्योंकि डोमिसलरी केयर वालों के पास काम नहीं है, कहने को तो वैकेंसी यहाँ पर लगभग 1.5 लाख के ऊपर है हेल्थ केयर सेक्टर में, हेल्थ केयर असिस्टेंट और सपोर्ट वर्कर की लगभग 1,60,000 के आसपास है, ठीक है। लेकिन भाई सब लोगों को काम नहीं मिल रहा है, तो सोचो आप कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम है। किसी को 1 दिन का काम मिल रहा है हफ्ते में, किसी को 2 दिन का मिल रहा है, तो 20 घंटे कुछ। यहाँ पर क्या होता है ना कि अगर आप हेल्थ केयर वीज़ा पे हो तो अगर आपका एम्प्लॉयर काम नहीं दे रहा है या पूरा नहीं हो पा रहा आपको, तो 20 घंटे आप किसी के साथ भी काम कर सकते हो सेम जॉब कोड में। तो वही लोग कर रहे हैं, अपने एम्प्लॉयर से वर्क नहीं मिल पा रहा है उनको, तो दूसरे जॉब कोड में जो है वो वर्क कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई सोच समझ के आओ हेल्थ केयर वीज़ा पे। अब जिनको मेल आ गया है उनको 2 हफ्ते के अंदर स्पॉन्सर देखना है, भाई कहाँ से मिल जाएगा 2 हफ्ते के अंदर स्पॉन्सर मिलना, बहुत मुश्किल होता है यहाँ पर। अब वही है, खरीदना पड़ेगा एजेंट से, और एजेंट का रेट मैं आपको खुला बताऊँ यहाँ पे 15,000 से 20,000 पाउंड का रेट है। 15,000 से 20,000 पाउंड ले रहे हैं ये लोग हेल्थ केयर वीज़ा के लिए यूके के अंदर, मैं बता रहा हूँ वो रेट है ये यहाँ पर, ठीक है। लेकिन उसमें श्योरिटी रहेगी कि आपको जो है जॉब मिलेगी, ठीक है, उसकी श्योरिटी रहेगी। तो भाई सोच समझ के ही आओ आप लोग जो भी डिसीजन लेते हो। और होम ऑफिस अब स्ट्रिक्ट हो गई है, क्योंकि उन लोगों को पता लग गया है कि जो एम्प्लॉयर है वो बुला रहा है और काम है नहीं उनके पास, लोगों को यहाँ पर सर्वाइव करना मुश्किल हो रहा है। तो उन्होंने जो है साफ साफ मेल भेजना शुरू कर दिया है लोगों को अब, ठीक है। तो जो भी हेल्थ केयर वीज़ा पे हैं ऑलरेडी यूके में और उनको वर्क नहीं है, तो अपना जंक स्पैम वगैरह सब चेक कर लेना, आपके पास तो होम ऑफिस से मेल नहीं आया है, ठीक है। इसमें किसी को डरा नहीं रहा हूँ, जो एक्चुअल फैक्ट है वो बता रहा हूँ जो अब यहाँ पर शुरू हो गया है। तो ये एक अपडेट था, बड़ा अपडेट है हेल्थ केयर वीज़ा के रिगार्डिंग, जो मेरे को आप लोगों को बताना था। और मैं आपको थोड़ा सा अपडेट करना चाह रहा हूँ कि सोच समझ कर ही डिसीज़न ले, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।